जी सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? सलाम। शुएब, मौसम कैसा है वहां का? आप थाईलैंड में बैठे हैं, बीचे जबरदस्त आपके व्यू है, हवा चल रही है, हरियाली भी है, समंदर भी है। मौसम बहुत अच्छा है। जो व्यू है वो आप देख सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और उससे भी अच्छी चीज ये है कि जो टीम है मेरी और जो लोग हैं उसमें, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। बल्कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे मतलब ऐसा कंफर्ट जोन मिल रहा है कि मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही। और इवन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उनको एक दफा बोला जाए कि ये करना है, आ जाओ, धूप है, कभी बारिश होती है, लेकिन वो लोग भी जो है, तो इसीलिए ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई एम लविंग इट। अच्छा, तो ये अब ऑफ कोर्स आप थाईलैंड में हैं और शूट चल रही है अल्टीमेट मुकाबला, एक प्रोग्राम है सर्वाइवर टाइप का, जो आई थिंक सितंबर में हम देखेंगे टेलीविजन पे। अब थोड़ा सा मुझे इसका ब्रीफ बताएं कि इसका यूएसपी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी कोशिश हो चुकी है सर्वाइवर की, वो नहीं चला था, और अब जो है, लेकिन ये ग्रुपिंग बड़ी कोई इंटरेस्टिंग हुई हुई है कि आप एक ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स हैं और कुछ आपके साथ लेडीज भी हैं, पहले खवातीन नहीं थी। तो इज इट मेन वर्सेस वुमेन, इज इट अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन, दो ग्रुप्स हैं, ये क्या, जरा सा डिटेल्स बताएं मुझे। इसमें ये है कि ऑफ कोर्स डिफरेंट फील्ड से लोग हैं, ट्रेनर भी हैं, एक्टर्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया कि जहाँ पे गाइस वर्सेस गर्ल्स हो। तो अच्छा हमने कोशिश यही की कि अगर एक लड़का है तो जो पार्टनर है वो लड़की हो, राइट, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है बना हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो शो है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस इंशाल्लाह, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है। उसमें राइट, चाहे पार्टिसिपेंट्स हो या मैं हूँ या टीम है, मेरी जो है सबकी बहुत मेहनत है। और मेहनत का फल हमेशा जो है वो आपको मिलता है, और मीठा मिलता है, फीका नहीं मिलता। एंड आई रियली हैव हाई होप्स। आई एम श्योर दिस शो विल रॉक इंशाल्लाह। शुएब, लेकिन बताएं कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं, बिकॉज आप विल्डरनेस में तो है नहीं, जाहिर बात है थाईलैंड में है, तो किस किस्म के चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? चैलेंजेस थोड़े से वेदर के भी हैं। वेदर का ये है कि समटाइम जो पानी है वो कभी ऊपर आ जाता है और कभी पीछे चले जाता है, फिर कभी धूप आती है, कभी बारिश आती है, फिर आपको पता है सबको अच्छा दिखना है, तो जब बारिश आती है तो वो बारिश का पानी जो है वो सब कुछ नीचे ले आता है, फेस पे उतार देता है। लेकिन उसके बावजूद जो है कंप्लेन्स एज सच कोई भी नहीं है, बट नोबडी इज परफेक्ट। तो ये जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं उसको बात करके जो है वो कम किया जाता है। और ये है कि बेस्ट फैसिलिटीज जो हैं, जो स्पेशली पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको दी जा रही हैं। और सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि अगर पानी का खेल है तो उसमें बिल्कुल जो लाइफ गार्ड है वो जी उनके जी पास है, लाइफ जैकेट उन्होंने पहना हुआ है। और अगर किसी को चोट भी लगती है तो मेडिकल टीम जो है वो हमेशा से साथ में है, वो उनको बेस्ट वाला ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो फुलफिल नहीं हो रही, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुकाबले किस किस्म के हैं, मतलब ईटिंग मैन वर्सेस वाइल्ड है, या ऑब्स्टिकल कोर्सेज हैं, या फिजिकल कोर्सेज हैं, मतलब मुकाबले किस किस्म के हमें देखने को मिलेंगे? मोस्टली फिजिकल है, फिजिकल एक्टिविटी है। और उसमें जैसे मैंने कहा कि एक्टर्स भी हैं, उसमें क्रिकेटर्स भी हैं, उसमें जी ट्रेनर्स भी हैं। जी और कोई भी ऐसा गेम नहीं है कि जो एथलीट्स ने पूरा किया हो और वो एक्टर्स नहीं कर पाए या वो ट्रेनर्स नहीं कर पाए। हर पार्टिसिपेंट ने कोई ना कोई गेम कंप्लीट किया है और दूसरे को, दूसरे से वो गेम जीता है। अच्छा और ये है कि इसमें पानी के रिलेटेड भी खेल खेले जा रहे हैं, और इसमें जो सैंड है उसके बेस भी गेम्स खेले जा रहे हैं। फिर कोर की जो बहुत ज्यादा गेम्स रहते हैं, जहाँ पे आपको कोर अगर स्ट्रांग है तो आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं, उनको बीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि
एक्टर्स या जो एथलीट्स हैं या उनको कोई एक्स्ट्रा एज है, या ऐसे गेम्स जो है हैव बीन डिसाइडेड कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जहाँ पे यार किसी एक फील्ड के जो लोग हैं उनको एडवांटेज जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबका सबका फिटनेस लेवल तो एक नहीं हो सकता. इन इस ग्रुप को सिलेक्शन इसकी कैसे हुई थी? इसकी सिलेक्शन ऐसे ही हुई थी कि डिफरेंट फील्ड से लोगों को लिया जाए और उनको ऐसा डिवाइड किया जाए टीम्स में, क्योंकि ये भी पूछा गया था कि पार्टनर्स हम लोग बनाए, मैं और मेरी टीम, या आप लोग खुद चूज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पर्चियां डले। तो जितने पार्टिसिपेंट से उन्होंने कहा कि आप पर्चियां डालें, ये ना हो कि हम खुद बनाने जाएं, क्योंकि आप इवन दो यू आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड बट स्टिल आपकी फ्रेंडशिप होती है, तो आप कहते हैं नहीं मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं इसका पार्टनर बनना चाहता हूँ, या हो सकता था कि एक इंसान के दो पार्टनर बनना चाहते थे। इसीलिए वी हैव गिवन द ऑप्शन टू ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, पर्चियां डलेंगी अच्छा. और जो भी निकलेंगे, और वही हुआ। तो आपके अंदाजे में स्किल सेट हर इंसान का फर्क होता है, मर्दों का भी फर्क होता है, औरतों का भी फर्क होता है. ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो आपने देखा हो कि यहाँ पे मैंने नहीं देखा, कोई यहाँ फर्क पे नहीं है? मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो लड़के थे, लड़कियों ने ज्यादा वो टास्क करके वो गेम, पर्टिकुलर गेम जितवाया। तो मैं ये आपने कभी नहीं बोलूंगा नुसरत हिदायतुल्ला कि जैसी लड़कियां डाली हुई हैं, तो जाहिर बात है वो तो 42 डे चैलेंज करती हैं. बिल्कुल वो करती हैं, लेकिन नुसरत को भी बहुत हार्ड टाइम दिया है बाकी लड़कियों ने भी, और उन्होंने अच्छा. उनसे वो कुछ ऐसे गेम्स थे जहाँ स्कोर का बहुत ज्यादा काम था, वो उन्होंने नुसरत को बीट किया है। तो मैंने आपको कहा था कि ये गेम से ज्यादा आगे तक चला गया था। सोचें कि कितना एंजॉय कर रहे होंगे ये लोग, और जहाँ पे सबकी जो ईगोज हैं वो आ गई बीच में। इवन जो क्रिकेटर्स थे आपस में, उन्होंने भी कहा अच्छा आप मुझसे तगड़े हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। बेशक डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, बट स्टिल दे आर स्टिल गिविंग द बेस्ट शॉट। तो अब आपको लगता है कि ये एक सक्सेसफुल फॉर्मेट है, इस दफा चलेगा? पहले वाले सर्वाइवर में जो 2009 में पाकिस्तान में चला था, वो तो नॉर्दर्न एरियाज में हुआ था और अननोन लोग थे बेसिकली, और उस वक्त जरा सा कल्चरल क्लाइमेट ऐसा था कि लेडीज या लड़कियां अलाउड नहीं थी उस शो में. तो आप लोगों ने तो थोड़ा काफी सारे बैरियर्स क्रॉस किए हैं इस शो के साथ. बिल्कुल, और इसमें आपको हर टाइप की चीज मिलेगी। जो व्यूअर्स हैं उनको मसाला भी चाहिए, मसाला उनको बताएं कि किस टाइप लड़ाई का देखने को मसाला भी चाहिए। होगा. मसाला अगर मैं पहले बता दूंगा तो जब आप भी देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा।